रूबीना दिलैक को बिग बॉस सीजन 14 के प्राइज मनी के तौर पर जो पैसे दिए गए हैं, रूबीना दिलैक उसका क्या करेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल आप सभी दर्शकों के मन में चल रहा होगा। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको यही एक्सक्लूसिव बताने वाले हैं कि क्या करने वाली है रूबीना दिलैक उन पैसों का। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लीजिए। रूबीना दिलैक उन पैसों का क्या करेंगी, बहुत बड़ा सवाल आप सभी दर्शकों के मन में चल रहा है। रूबीना दिलैक जो भी करें उन पैसों का, ये उनका पूरा का पूरा अधिकार है उन पैसों पर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रूबीना दिलैक उन पैसों का समाज सेवा में खर्च करना चाहती हैं। रूबीना दिलैक ने कितने पैसे कमाए बिग बॉस सीजन 14 के घर से, तो हम आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 14 में उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए जो पैसा चार्ज किया वो है 1 करोड़ 5 लाख रुपया। जी हाँ, 1 करोड़ 5 लाख रुपया उन्होंने चार्ज किया। और रूबीना दिलैक बिग बॉस सीजन 14 का विनर बनी और विनर अमाउंट जो उन्हें मिली 22 लाख रुपया, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख प्लस 22 लाख, ये उन्हें इन्होंने पूरी तरह से बिग बॉस सीजन 14 के थ्रू कमाया इतना पैसा। अब उन पैसों का क्या करना चाहती हैं, तो रूबीना दिलैक ने एक इंटरव्यू में इस बारे में भी कहा और साथ ही साथ बताया कि उनके गांव में पूरी तरह से कच्ची सड़कें हैं और साथ ही साथ बिजली भी नहीं है। हम आपको बता दें कि रूबीना दिलैक जो हैं शिमला से ताल्लुक रखती हैं और साथ ही साथ शिमला के एक गांव से निकलकर आई हैं रूबीना दिलैक। और साथ ही साथ रूबीना दिलैक इसी वजह से बिग बॉस सीजन 14 के घर में जितने दिन थी तब उन्हें देखकर मिट्टी की खुशबू जो है वो झलकती थी। अब रूबीना दिलैक को जितनी भी राशि उन्होंने जीता वो सारी की सारी राशि से अपने गाँव में पक्की सड़कें बनाएंगी और साथ ही साथ प्रयास करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगी कि उनके गांव में जल्द से जल्द बिजली का प्रबंध करवाएं सरकार। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ अब जो है कांग्रेस कम्युनिटी के अध्यक्ष वहां के जो हैं वो सामने भी आ चुके हैं और साथ ही साथ रूबीना दिलैक की मदद करने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाया है रूबीना दिलैक की ओर। वेल दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त की यही निकलकर सामने आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा रूबी हॉलिक्स और साथ ही साथ शुक्ला के फैंस तक ये वीडियो जो है वो पहुंचाएं।